के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल जी, सांसद दुष्यंत सिंह जी और निहारिका जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरि सिंह जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा सिंह जी और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष राम विलास जी, और मेरे इधर उपस्थित बुहाना के अंदर इतनी सारी भाई बहुत भारी संख्या में आई हुई मेरी सब माताएं बहनें, आप लोग सबको बहुत बहुत प्रणाम, सब माताएं बहनों को बहुत सारा प्रणाम। और इधर इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए सब मेरे भाई, मेरे सब बुजुर्गगण, आप लोगों को मैं दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज यहाँ आके इतने प्यार से हम सबका यहाँ स्वागत किया है। मैं बार बार जितना भी कहूंगी मैं समझती हूँ कि कमी है। आज आपके क्षेत्र से निकलने का ये मौका मिला और आप सबके दर्शन करने का भी साथ साथ ये मौका मिला है। मैं निकल रही थी तो मैं इस सड़क से जो आ रही थी, अब आप सोच रहे हो कि देर क्यों हो गई, मेरी बस में जितने दचके लगे हैं इस रोड के ऊपर, खेतड़ी से बुहाना, मैं तो समझती हूँ कि आपको किसी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी बेचारे बस में बैठ के आता है उसको भोजन करके आना चाहिए, वहां से निकल के यहां तक आ जाएगा तो भोजन उसका। आज मैं यही पूछते आ रही हूँ और मैं सबसे पता करते आ रही हूँ कि जो हमारी जो मूलभूत समस्या है, क्या वो मूलभूत समस्या हम सबके पास पहुंच रही है। सबसे पहले पानी की समस्या, मेरे को ये पता चला कि ये पूरा एरिया डार्क जोन घोषित हो गया है, और इसलिए घोषित हो गया है तो आप लोग ना तो कुआ, नो उसके अंदर ट्यूबवेल, कोई भी आप लोग खुदवाने की परमिशन नहीं ले सकते। और जहां कहीं आप लोग ये काम करते भी हो तो 25-25 हजार, 50-50 हजार आप लोगों को रिश्वत में देना पड़ रहा है। यदि मैं सुन रही माने डार्क जोन है, परमिशन नहीं है, कुएं खुद रहे हैं, ट्यूबवेल खुद रहे हैं और लोग उसमें जोरदार तरीके से रिश्वत ले रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी सरकार। जहां तक बिजली का सवाल है, वहां मुझे ये बताया जा रहा है कि बिजली की तो बहुत हालत खराब है। जो घर के अंदर माताएं बहनें बिजली मिल रही है क्या? अगर 4-5-6 घंटे मिलती होगी, किसानों को भी बिजली नहीं मिल रही। और सब लोगों ने मुझे ये कह दिया है कि ये बिजली जो भी मिलती है वो इतनी बुरी तरीके से मिलती है, इतना ज्यादा ट्रिपिंग होता है, तो उस ट्रिपिंग की वजह से हम लोगों को बिल्कुल नुकसान होता है, खेत के अंदर हमको किसी किस्म का फायदा नहीं। मैंने माताएं बहनें इसको चला के आप लोगों के लिए किया, क्योंकि मैंने कहा कि अपने जाते जाते 18 से 20 घंटे आप लोगों को घर के अंदर मिल जाएगा, पर मैं देख रही हूँ कि ये नहीं हो रहा है। और मैं आज आपको वादा करके जाती हूँ कि आने वाली सरकार अपनी सरकार होगी और उसकी सरकार के अंदर 24 घंटे बिजली आपको मिलने का ये काम, घरेलू बिजली आप लोगों को 24 घंटे अलग से मैं देने का काम कर रही हूँ, ये प्रयास पूरा हो जाएगा, आप लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये तरीके से जहां तक पानी का सवाल है, उस पानी का भी मैं जगह जगह जाके देख रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसी सरकार है। अगर वो मूलभूत समस्या आपकी आज उसका समस्या नहीं कर समाधान नहीं कर सकती तो ये सरकार को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक है क्या? यहाँ के सब लोग जो बैठे हुए हैं अपने दिल के अंदर देख लीजिए, डॉक्टरों की स्थिति आपके क्षेत्र के अंदर ठीक है क्या? पता किया मैंने, चिकित्सा की सुविधा ना के बराबर है। बुहाना के सरकारी अस्पताल को कंपाउंडर के भरोसे छोड़ के रखा है, ये कोई हो सकता है क्या? कंपाउंडर के भरोसे छोड़ के रखा है। और सूरजगढ़ के अंदर सामुदायिक अस्पताल के अंदर जहां 10 स्थान है वहां सिर्फ एक डॉक्टर, तो आप लोगों को मुफ्त दवाई मिल रही है, आप लोगों को मुफ्त जांच मिल रही है,
अखबार में मेरे को ये बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच आराम से हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ सरकार हमारी कुछ बोलती है और क्षेत्र के अंदर कुछ और देखने को मिलता है, जो ऐसा झूठ बोलती है। मैं समझती हूँ कि ऐसी सरकार को जो जनता के साथ दगाबाज करती है उसको उस कुर्सी पर बैठने का एक मौका भी देना ही नहीं चाहिए। ये सब लोगों को मैं कह के चल रही हूँ। शिक्षा की हालत आप लोग सब जानते हो कि उतनी कितनी जर्जर आ गई है। ये पहली सरकार है जिसने स्कूल बंद किए, जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं, जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं, ऐसी अव्यवस्था टीचरों का और बच्चों का फैला के रखा है। और स्कूलों के अंदर जिस तरीके से उन लोगों को, मैंने आपके स्कूलों को बढ़ाना चाहिए था, वैसा बड़ा है क्या स्कूल, बड़े है क्या इलाके के अंदर, नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आगे कंपटीशन में बैठेंगे कैसे और इनको रोजगार मिलेगा कैसे? आज हमारे बच्चे राजस्थान को छोड़ के पलायन करके अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अपने प्रदेश के अंदर ही नौकरी मिले, उनको यहाँ ही सरकार जिम्मेदारी से नौकरी देने का काम करे। हमने अपने सरकार के टाइम में 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम किया था। आज हम जब इस सरकार से पूछते हैं तो वह हाथ ऊपर करके कह देती है हाँ आप दे रहे हैं, परंतु बता नहीं सकती है कि कितने दिए हैं। मैं तो सिर्फ यह पूछ रही हूँ कि टेट की वजह से कितने कितने सारे बच्चे आज बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमने सबको कह दिया है कि इसकी व्यवस्था होगी और इसकी व्यवस्था करके हम लोग वापस जिस तरीके से आरपीएससी के अंदर पहले हम लोग कराया करते थे उसी तरीके से आरपीएससी के व्यवस्था के द्वारा हम अपने बच्चों को ले जाने का काम करेंगे, उनको उसी तरीके से लाएंगे, उनको नौकरी का इंतजाम करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने पहले करा था। ये आप लोगों को सबको मैं कहना चाहती हूँ। आपकी सड़कों का काम तो ये आप ही के अलग का नहीं है, मैं तो पूरे प्रदेशों अंदर से निकल के आ रही हूँ। 5 संभाग और ये छठा संभाग आज शुरू कर दिया है। मैंने करीबन 8,000-9,000 किलोमीटर चल के देखा है कि जहाँ आपकी ये सड़क है वैसे ही सब गांव के अंदर यही हालत है। हम लोग चलते हैं तो आगे आगे डामर दिखाई देता है, तो गांव के लोग मुझे ये कहते हैं कि आपको आगे जो डामर दिखाई दे रहा है आपके पीछे से वो उखड़ता जा रहा है और बरसात आएगी तो ये सब डामर बह जाएगा और वही सड़कों की हालत होगी जो पिछले कल के दिन था। आज राजस्थान, ये राजस्थान प्रदेश जब आपने हमको पकड़ाया था जो वो बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था, उस बीमारू प्रदेश को हमने उठा के उस गड्ढे में से बाहर निकाल के खड़ा किया, उस राजस्थान के बीमारू प्रदेश को हमने फिर से पैरों पे खड़ा करने का काम किया। आज मैं देखती हूँ कि 5 साल की मेहनत के बाद फिर से उसी स्थिति में ला के राजस्थान को रख दिया है। आज राजस्थान का विकास दर बिहार से कम है, बिहार का विकास दर 16% और राजस्थान का विकास दर खाली 5%, तो आप समझिए कि राजस्थान का क्या होने वाला है। अब 4 महीने बच गए तो 4 महीने के अंदर किस तरीके से आर बसाने का काम इस सरकार ने कर दिया है, और वो 4 महीने के अंदर, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 4.5 साल तक ये काम क्यों नहीं किया? अगर 4.5 साल तक करते तो पेंशन 4.5 साल मिलती, ये सब काम 4.5 साल तक होते। हम लोगों ने भामाशाह योजना जो चालू की थी उसके अंदर अगर इन लोगों ने काम किया होता तो ये सब ये 4.5 महीने में करने की जरूरत नहीं होती। और आज जिस तरीके से पैसा फेंका जा रहा है, IAS के अफसर चिंता ये कर रहे हैं कि क्या 2 महीने में उनको तनख्वाह मिलेगी। आज राजस्थान को आप उस हालत में ला के रख रहे हो कि वहाँ के अफसर लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको 2-3 महीने के बाद तनख्वाह ही नहीं मिलेगी। क्या राजस्थान को फिर से बीमारू के क्षेत्र के अंदर लाने का काम हम लोग करने वाले हैं? हमारी महिलाओं की हालत देखो, माताएं बहने आप लोग सब जानते हो कि कितना अत्याचार हो रहा है। घर में पीने के पानी के लिए 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, टैंकर की खरीदारी होती है तो 1,000 रुपया देना पड़ता है, महिलाओं के सुरक्षा 0 है, बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, महिलाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। और राजस्थान वो एक प्रदेश है जहां महिलाओं की बिल्कुल कदर नहीं है।
याद रखो कि इतिहास में राजस्थान वो प्रदेश था जहां महिलाओं की बहुत जोरदार कदर होती थी, और अगर महिला के घर में कदर नहीं होती है तो घर आगे बढ़ नहीं सकता है, प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो घर का मुखिया, जो घर का मुखिया अपनी बेटी और अपनी बहन और अपनी बहू की इज्जत को संभाल नहीं सकता है, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे को तो उस कुर्सी पे बैठने का हक ही नहीं है। आज मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ, किसान भाइयों, बरसात हो गई, सब लोग किसान के अपने खेत में जाएंगे, खेत में जाएंगे, और खेत में जाके अब समय आ गया है जब आपको बिजली की जरूरत है, जब आपको पानी की जरूरत है, जब आप लोगों को खाद और बीज की जरूरत है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग गए होंगे पता करने के लिए, किसी को खाद मिला, किसी को बीज मिली? आज मैं अखबार में देख रही हूँ कि किसान चक्कर काट रहा है झुंझुनू में, तो पूछ रहा है कि मेरे को खाद और बीज का इंतजाम करके दे दो, परंतु खाद और बीज ये सरकार समय पे नहीं दे सकती। और जब फसल उग के कट के आती है, जब बाजार में उसको ले जाते हैं, तो उसको सही तरीके से उसका मुआवजा नहीं मिलता। और मैं किसान भाइयों से आज ये पूछूं कि जयपुर के अंदर तो हमें ये बताया जा रहा है, जब प्राकृतिक आपदा पड़ी, जब पाला पड़ा, जब ओला पड़े, तो आप लोगों को जोरदार मुआवजा दिया गया था, क्या आप लोगों को मिला? किसान